दीपक केसरकर जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, थिरकती हुई तस्वीरें तो आप सब लोगों के सामने आ रही हैं, खुश तो बड़े होंगे, आज आप लोग शिंदे बनने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री, यही शर्त थी बीजेपी के साथ आप लोगों की? देखिए, हमने हमारे एमएलए तो बोल रहे कि आप बोल रहे थे कि आप सीएम पोस्ट लेके आइए, लेकिन हमें सचमुच खुद को पता नहीं था कि बीजेपी इसको इस पे एग्री हो जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा कदम उठाया है देवेंद्र जी ने, जो इस पद के लिए पहले उस पे काम कर चुके हैं, और मोदी साहब और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और एक तरह से ट्रिब्यूट है बाला साहब के लिए, बाला साहब की जो स्मृति है उसके लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऑर्डिनरी शिवसैनिक वहां पे बैठ जाए, और इनका जो बैकग्राउंड है तो बहुत नीचे के स्तर से ये कड़ी मेहनत करके ऊपर आए हैं और हर एक स्टेप पार करके आए हैं, एक नगर सेवक से सीएम के पोस्ट पे पहुंचना एक बहुत आपको बड़ी, कौन सा मंत्रालय मिलने जा रहा है दीपक केसरकर जी? आपका भी नाम बहुत चला है कि जो नई सरकार होगी उसमें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी आपको। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने खुद भी पहले भी मैं बोल चुका हूँ, जो भी शिंदे साहब करेंगे हम सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, और ना कि मैंने किसी मंत्री पद के लिए सब किया था, एक अच्छे आदमी है शिंदे साहब, ही इज अ नाइस पर्सन, और जब कोई भी होता है महाराष्ट्र में कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे दूसरी कोई आपत्ति आती है, तो उसमें सबसे पहले वहां पहुंचने वाले। आप लोगों को इस बारे में जानकारी कब हासिल हुई कि शिंदे साहब अगले महाराष्ट्र के सीएम होंगे, देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे, इस बारे में सबसे पहले आप लोगों को कब जानकारी मिली? नहीं, ये तो मुझे हम सब लोगों को, एवरीबडी केम टू नो जस्ट नाउ, सो इट्स अ स्वीट सरप्राइज फॉर अस। आप लोगों को पहले से इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो क्या बीजेपी के पास जाने के पहले आप लोगों ने शर्त रखी थी कि शिंदे साहब को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए? देखिए, हमारे एमएलए तो बहुत चाहते थे, लेकिन हमारे पास संख्या बल नहीं था जी, और संख्या बल नहीं होने के बावजूद भी ये कमिटमेंट देना और उसको पूरा करना बहुत बड़ी अहमियत रखता है, और फडणवीस साहब का भी कद बहुत ऊंचा हो गया महाराष्ट्र में। एक और सवाल जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि जिस तरह की फजीहत भारतीय जनता पार्टी की साल 2019 में हुई थी, कहा जा रहा है कि उससे बचने के लिए शिंदे साहब को मुख्यमंत्री बना दिया गया ताकि ये जितने भी बागी विधायक हैं इनको इंटैक्ट करके रखा जा सके, वरना बीच मझधार में कौन कब पलटी मार जाए और छोड़कर चला जाए, इस वजह से उनको ये अहम जिम्मेदारी देते हुए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उनके नाम का ऐलान किया गया? देखिए, ऐसे कुछ नहीं है, हम लोग तो हर ऑप्शन के लिए तैयार थे, प्रोवाइडेड शिंदे साहब को वहाँ पे अच्छा स्थान मिले, लेकिन सीएम का स्थान मिलेगा ये तो हमें सपने के जैसा है कि एक सपना सच हो गया, जो हर एक एमएलए का सपना था, जो जाते वक्त भी 99% एमएलए बोल रहे थे कि आप एमएलए का सीएम का पोस्ट लेके आइए, तो मुझे ऐसे लगता है कि तो उद्धव ठाकरे को हटाकर क्या आप लोग शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे और वो सपना आप लोगों का पूरा हुआ अब बीजेपी के साथ ही? सही, हमने ऐसे कभी भी नहीं बोला है, हमने ये बोला है कि ये बाला साहब का सपना था और ये उद्धव साहब का सपना था कि शिवसैनिक महाराष्ट्र के वो कुर्सी पे बैठे, आज वो शिवसैनिक वो कुर्सी पे बैठ गए, तो ये उद्धव साहब और बाला साहब दोनों का सपना सच हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत खुश है, और हम लोग मैंने खास करके बोला कि फडणवीस साहब ने जो किया है उनका एक ऐसे इमेज बन गया था कि वो पद के लिए इच्छुक है, इसके लिए वो लड़ रहे हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन लेने, लेकिन उन्होंने इस सब ये प्रूव कर दिया कि वो ऐसा निर्णय ले सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी जो भी नया मंत्रिमंडल बनेगा उसमें किसी भी रूप में नजर नहीं आएंगे, वो मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं सुपर सीएम के तौर पर बीजेपी खुद को रखी रहे और मुख्यमंत्री के तौर पर नाम का ऐलान शिंदे साहब का कर दिया जाए? क्योंकि यही आरोप आप लोग एनसीपी शरद पवार के ऊपर लगाते रहे हैं कि दरअसल एनसीपी की ज्यादा चलती थी, उद्धव ठाकरे की चलती नहीं थी, तो इस वाली सरकार में भी कहीं यह स्थिति तो नहीं बनेगी? लेकिन देखिए, बाला साहब भी रिमोट कंट्रोल का काम तो करते थे और इसके लिए हमें कितना गर्व था उनके, तो एक तरह से बाला साहब की जो नीतियां थी वो भी सच होती हुई दिखाई दे रही है और उनका सपना भी सच होते हुए दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक केसरकर साहब, शिंदे गुट के विधायक, खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए।